all of you. Today we have to reading about the importance of English. क्या पढ़ना है? The importance of English. English जो है दुनिया की पहली भाषा है जिसे पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, English is an international language. English is an international language and spoken all over the world. दुनिया की पहली भाषा है जो जिसका प्रयोग हर क्षेत्रों में होता है। कोई ऐसी भाषा, no other language in the world is spoken, only English is spoken all over the world. अगर आप, if you success in our life, if you success in our life, you have take a good knowledge of English. ये एक ऐसा लैंग्वेज है, इफेक्टिव लैंग्वेज है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर हमें अंग्रेजी बोलने आती है, इससे हमारे क्वालिटी की जांच होती है, क्वालिटी की परख होती है। हम यदि तुलना करें, इफ वी कंपेयर बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी में आपको 52 अक्षर पढ़ना है, देयर आर 52 लेटर्स इन हिंदी अल्फाबेट, इन इंग्लिश ओनली 26 लेटर, कितने लेटर? 26 लेटर्स को पढ़ने से ही, वही पढ़ने से ही हम सारे अंग्रेजी को जान जाते हैं। हिंदी में 52 लेटर और इंग्लिश में 26 लेटर, कितने का अंतर है? दोगुने का। तो 26 लेटर में ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों से ही हम वर्ड बनाते हैं और वर्ड से ही हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो दुनिया की पहली भाषा है जो जिसका प्रयोग हर एक क्षेत्रों में होता है। विदाउट इंग्लिश, बिना इंग्लिश के आवर लाइफ इज मीनिंगलेस, बिना अंग्रेजी के हमारा जीवन अधूरा है। इफ यू टू कैन फ्लाई इन द स्काई, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश मस्ट हैव, अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यू कांट सक्सेस इन आवर लाइफ। सो वी ऑल स्टूडेंट्स, वी ऑल इंडियंस have to read English very carefully. अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने आ जाती है, अंग्रेजी बोलने आ जाती है, तो आज के इस प्रोफेशनल युग में निश्चित रूप से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश की जानकारी नहीं है, तो आप किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू रीड English, it is necessary in every field. तो next day, अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे, इसके आगे का जो लेसन होगा वो बेसिक होगा और वो होगा अल्फाबेट के बारे में। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे।